दोस्तों आपका कल डेमो या इंटरव्यू है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि यार पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं सिलेक्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे, कहीं मुझे पढ़ाते पढ़ाते ही ना भूल जाए, मेरा मजाक ही ना बन जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चन ही ना पूछ लें जो मुझे ना आए और रिजेक्ट कर दें, बेइज्जती हो जाए, घर वाले भी कहें कि आ गया रिजेक्ट होके, तरह तरह के जहन में क्वेश्चन आ रहे हो, नर्वस हो रहे हो, डर लग रहा है ना। हालांकि आपने तैयारी भी पूरी कर ली है और इसके बाद मजीद तैयारी और भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये नर्वसपन खत्म नहीं हो रहा। आपको पता भी है कि अगर मैं डरूंगा और नर्वस होऊंगा तो जो आता है वो भी भूल जाएगा। आप चाहकर भी इस नर्वसपन और डर को नहीं खत्म कर पा रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपका ये डर और नर्वसपन एक मिनट में खत्म हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज बैठा लो कि अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत को जाया नहीं करता। और दूसरे नंबर पर दोस्तों आपके हाथ में तो सिर्फ मेहनत और कोशिश है जो कि आप कर रहे हो, कामयाबी तो आपके हाथ में है ही नहीं है, वहां पे सिलेक्ट होना या रिजेक्ट होना आपके हाथ में है ही नहीं है, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। दोस्तों जिसके हाथ में कामयाबी है, जिसने आपको वहां पे सिलेक्ट करवाना है, अगर सारा कुछ ही आप उस पे छोड़ दो और कहो कि ऐ अल्लाह मैं तो अपनी तरफ से पूरी स्ट्रगल कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, कामयाबी या अल्लाह तू देने वाला है, तो या अल्लाह जो भी मेरे साथ होगा अगर वो इंस्टीट्यूट अदारा मेरे हक में बेहतर है तो या अल्लाह मेरी वहां पे सिलेक्शन हो जाए, अगर या अल्लाह वो इंस्टीट्यूट मेरे हक में बेहतर नहीं है तो या अल्लाह उससे अच्छा को मुझे दिखा देना जो मेरे हक में बेहतर हो। दोस्तों जब आप ऐसे कह के अपना सारा कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दोगे तो आपके माइंड से टेंशन खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगर आप वहां पे सिलेक्ट हो जाते हो तो इसका मतलब कि वो इंस्टीट्यूट आपके हक में बेहतर है, इसलिए अल्लाह ताला ने वहां पे आपकी सिलेक्शन करवा दी। और अगर वहां पे रिजेक्ट हो जाते हो तो इसका मतलब यह है कि वो इंस्टीट्यूट आपके हक में बेहतर नहीं है, अल्लाह ताला आपको उससे कोई अच्छा देना चाह रहा है, तो इसलिए सब्र कीजिए, अल्लाह ताला आपको उससे अच्छा दे देगा। और रही बात आपको बेइज्जती का डर लग रहा है कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए, तो दोस्तों कुरान की आयत है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, तो आप बेइज्जती की क्यों टेंशन ले रहे हो, इज्जत अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। दोस्तों आपको कोई भी जलील नहीं कर सकता, सारी दुनिया भी चाहे ना कि आपकी बेइज्जती कर दे, आपको जलील कर दे, रुस्वा कर दे, अल्लाह ताला अगर आपको इज्जत देना चाह रहा तो कोई भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसलिए दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नर्वस होना छोड़ दे, बस मेहनत करें, कोशिश करें, हक में बेहतर हुआ तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।